हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड फाइनली गाइस, ये हमारा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की कार्नो आइसलैंड सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 3। तो गाइस यार, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने एक हिडन लेक को एक्सप्लोर किया था। एंड फाइनली गाइस, आज हम अब इस मेन आइलैंड से निकलने वाले हैं कार्नो आइसलैंड के लिए। पर उसके लिए मेरे को एटलीस्ट यार 16 लेवल चाहिए, क्योंकि 16 लेवल में गाइस हमारा जो राफ्ट है वो अनलॉक होता है। एंड हम लोग ने तैर के जाने का ट्राई किया था, पर वहां पे जो मैगलाडॉन शार्क थी उन्होंने जो है ना हमें इजीली किल कर दिया था। एंड यहां पे जो है ना हिडन लेक में मेरे को एक टैपी सारा दिखा, मैं इसको टेम कर सकता था, पर मेरे पास यहाँ पे ट्रैंकुलाइजर एरोज वगैरह नहीं थे। तो यार हम लोगों ने डिसाइड करा, चलो इसको जो है ना एक्स से अनकॉन्शियस करने का ट्राई करूंगा, पर वो यहाँ पे से निकल चुका है। एंड फाइनली यार मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा राफ्ट है वो कौन सा लेवल में अनलॉक होता है। तो उसके लिए यार मेरे को अपना लेवल कम से कम 6 अप करना पड़ेगा। एंड अभी जो हमारा लेवल है वो लगभग 11 या फिर 10 है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको इंक्रीम्स में दिखाता हूँ अपना राफ्ट कौन से लेवल में अनलॉक होगा। ओके, अभी अपना लेवल जो है 11 है। आई थिंक राफ्ट जो है ना 16 लेवल में अनलॉक होता है। तो फाइनली गाइस, अभी जो है ना हमें फटाफट से आज अपना लेवल 16 करना है एंड राफ्ट बना के एंड यहां पर से निकलने का ट्राई करना है। क्या आप लोग रेडी हो? वैसे अभी मैं सबसे पहले तो परस्यूट के मिसल्स चेकआउट करता हूं। एंड यहां पे हमें डिलोफोसोरस को हंट करना है। सो उसके लिए तो मेरे को बो एंड एरोज बनाने पड़ेंगे। बो तो मेरे पास ऑलरेडी है, पर मेरे पास बो के एरोज नहीं है। तो मैं फटाफट से यहां पे एरोज के लिए फार्म वगैरह कर लेता हूं। मेरे को थेट चाहिए होगा काफी ज्यादा अमाउंट में, फाइबर चाहिए एंड उसके बाद मेरे को चाहिए फ्लिंट। तो मैं फाइबर क्लिक करता हूं। थेस तो हमारे पास ऑलरेडी यार काफी ज्यादा हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से फ्लिंट फार्म करते हैं। फ्लिंट तो मेरे को स्टोन से मिलेगा, चलो फटाफट से फ्लिंट वगैरह निकालो। वैसे हिडन लेक में मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ पर रैप्टर्स काफी ज्यादा होते हैं, पर मुझे तो अभी तक रैप्टर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखे। हिडन लेक जो है वो काफी ज्यादा सेफ है। एंड यहाँ पे हम लोग अपना सेकेंडरी बेस भी बना सकते हैं, पर यार हमें जो है ना ओनली कार्नो आइसलैंड में सर्वाइव करना है। तो उसके लिए तो गाइस मैं और जगह में कहीं पे भी बेस नहीं बनाने वाला। ओके, फटाफट से मैं जो है ना अपने के लिए 10 के करीब एरोज बना लेता हूँ। एंड जितने पास मेरे पास मटेरियल था उससे लगभग 13 एरोज तो इजीली बन जाएंगे। ओके यार, एक डिलोफोसोरस मेरे को यहाँ पे दिखा एंड अभी मुझे नहीं पता वो कितने लेवल का है एंड कितना एरोज में मरेगा, पर यार यहाँ पे तो ये 2 ही एरोज में इजीली मर चुका है। फटाफट से एरोज वगैरह ले लेते हैं एंड इनसे जो है ना हम लोग मीट वगैरह हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी अपने को मीट भी काफी ज्यादा चाहिए। तो वैसे पिकेक्स से मीट काफी कम मिलता है, पिकेक्स से हमें थैच ज्यादा मिलता है। ओके, एक डिलोफोसोरस ये रहा। आई थिंक ये जो है ना काफी ज्यादा हाई लेवल का है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें 3 एरोज ऑलरेडी मार दिए एंड अभी तक ये मरा नहीं, चौथा भी लग गया। ओके, 5 एरोज से मरा है, तो लगभग ज्यादा लेवल का था। हाँ गाइस, ये 125 लेवल का था भाई। जैसा तैसे करके हम लोगों ने इसको तो यहाँ पे इजिली बचा दिया है। एंड जैसे यार मैं यहाँ पे से आगे निकला ना, तो मुझे हिडन लेक में पहला रैप्टर दिखा। तो मैंने प्लान किया यार इस रैप्टर को तो मारना होगा मेरे को, पर मैंने डिसाइड करा चलो फटाफट से मैं अपने के लिए बोला वेपन्स वगैरह बना लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला वेपन अनलॉक कर लिया है। सो इस रैप्टर को तो हम लोग इजीली बजा लेंगे, बस अपने को ना फटाफट से अपना लेवल अप करना है। किधर है? ओके, पानी के अंदर लगता है मेरे को कैस्ट्रॉइड को भचका रहा है वो। हाँ, कैस्ट्रॉइड को मार रहा है। ओके, उसने कैस्ट्रॉइड को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया एंड कैस्ट्रॉइड जो है ना वहां पे से भागने लगा। अच्छा, मेरे को मारने आएगा, रुक जा भाई, 75 लेवल का है। एंड ट्रैंकुलाइजर एरोज होता ना गाइस डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आ जाता, पर कोई नहीं, चलो हम लोग इसको मारते हैं। एंड इससे मेरे को एक चीज बढ़िया चीज मिल जाती है, इससे हमें एरोज काफी ज्यादा मिल जाते हैं। तो मतलब यार हम लोग रैप्टर्स को हंट करेंगे, सो अपना यार एरोज का जुगाड़ तो इजीली हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोगों ने लूट लिया है, फटाफट से हार्वेस्ट करते। तो ठीक है गाइज, अभी अपने को एक डिलोफोसोरस और मारना है, लगता है एक आधा लेवल तो मेरे को उससे मिल ही जाएगा। ओके, आगे तो चलो हम लोग, नहीं इधर है आई थिंक। ओके, ये रहा। सो फाइनली गाइज हमें लास्ट वाला डिलोफोसोरस भी मिल चुका है, मारते हैं इसको फटाफट। ये रहा, 70 लेवल का भाई, ये भी काफी खतरनाक लेवल का। स्प्लिट करेगा, उछला नहीं, मैं लेट हो गया, चलो कोई नहीं। ओके गाइस, फाइनली हम लोगों ने याला परस्यूट का तो मिशन इजीली कंप्लीट कर लिया है एंड हमें जो यहाँ पे लेवल अप भी मिला है।
ओके एक बो मिला। आई थिंक डिलोफोसॉरस को हंट करने से हमें हाई लेवल का बो मिलता है। सबसे पहले तो मैं इसको चेकआउट करता हूं, एक लेवल अप करता हूं। नहीं, दो लेवल अप मिला है गाइस, मजा आ गया। बस अभी अपने को दो तीन लेवल अप और करना है। सो हमारा राफ्ट जो है ना यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। चलो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे से अपना मेन आइलैंड में अपने बेस की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि मेरा जो फूड लेवल है वो काफी कम है एंड मेरे पास यार फूड वगैरह नहीं है। तो अपने को बेस जाना होगा, सबसे पहले अपने के लिए फूड वगैरह कुक करना होगा। तो लेट्स गो गाइस। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे से बेस जा रहा था ना, ऊपर रैप्टर कहाँ से आया? अबे निकलो, भागना पड़ेगा आई थिंक यहाँ पे से। भागते कहीं पीछे पड़ गया ना। अभी मेरे पास बोला वेपन्स भी नहीं है एंड वो अपने को इजीली मार देगा। तो ओके यार वहां पे से मैं भाग तो निकल चुका हूं एंड यहां पे हम लोग चुपचाप से बैठते हैं। अभी मैं ऐसे करता हूं ना, अपने के लिए बोला वेपन्स बनाता हूं। तो ठीक है गाइज, यहां पे लगभग दो बोला वेपन्स बन रहे हैं एंड लेट्स गो। ओके नहीं, इधर ही तो था। ओके चलो आगे चल के देखते हैं। अरे वो रहा डेफिनेटली आएगा अपने में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एंड बूम, पांच लेवल का है गाइस, एक एरोज में खत्म। ओके गया, देखते हैं कितना एरोज लेके आया है। आई थिंक पांच छह तो लेके आना चाहिए, वैसे पांच लेवल का है एंड मुझे नहीं लगता ये ज्यादा लेके आया होगा। और भाई 15 लेके आया, मजा आ गया। तो चलो गाइस फटाफट से हार्वेस्ट करता हूं एंड मेरा फूड लेवल भी यार काफी ज्यादा कम हो चुका है एंड अब फाइनली हमें जाना होगा अपने बेस में एंड अपने के लिए सबसे पहले फूड वगैरह कुक करेंगे। सो लेट्स गो यार, हम लोग अपने बेस में निकलते हैं। भाई हिडन लेक काफी अच्छी है, मेरा तो मन कर रहा है अपन लोग वहां पे अपना बेस बना दें, पर हमें कार्नो आइसलैंड में सर्वाइव करना है। सो इसलिए जो ना मैं यहाँ पे पहुंचा एंड मैंने गाइस यहाँ पे फूड वगैरह कुक करा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुका था थोड़ा सा एक्सप्लोर नोट सर्च करने के लिए, क्योंकि यार मैंने एक चीज नोटिस करा है, जब हम एक्सप्लोर नोट सर्च करने के बाद अपना कोई भी परस्यूट का मिशन कंप्लीट करते हैं सो उससे जो है ना हमें एक्सपीरियंस दुगना होता है। मतलब आप लोग खुद ही समझ लीजिए, यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस 2x आएगा। पहले तो 6x भी होता था पर अब तो यार 6x होता नहीं है। गेम वालों ने गाइस काफी ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। 80 लेवल के बाद यार लेवल अप करना हालत खराब। तो चलो गाइस अपना एक्सप्लोर नोट तो दिख चुका है एंड मुझे जो है ना अभी डिलोफोसॉरस को टेम करना है। ओके यहाँ पे डिलोफोसॉरस को ढूंढते ढूंढते यार मैं हिडन लेक में आ चुका हूं, क्योंकि मुझे एटलीस्ट कम लेवल वाला चाहिए। वो क्यों गाइस? क्योंकि 2xp लेना है ना मेरे को, तो उसके लिए मेरे को कम लेवल का चाहिए जो कि 1-2 मिनट में टाइम हो जाए। भाई इधर ही किधर तो ब्लिंक कर रहा है, एक्चुअली में है किधर? भाई यहां पे नहीं है। हाँ यहां पे देखा आपने भाई, रैप्टर जो है ना ट्राइसटॉप से पंगा ले रहा है। भाई बजेगा, मुझे 100% श्योर है कि वो रैप्टर बजेगा। ओके कार्नो, नहीं 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 इधर नहीं जाना अपने को, इधर निकलते हैं। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे अपने को डिलोफोसॉरस मिल चुका है। आई थिंक एक एरो से नॉक हो जाएगा। ओके यार एक एरो से नॉक हो चुका है, मैं इसको फूड देता हूँ फटाफट से। अबे ये डिलोफोसॉरस कहाँ से अटैक कर रहा है? पीछे से अटैक करता है, रुक जा। 45 लेवल का, इसको मारना पड़ेगा। अबे ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गए? रुक जाओ, इनको भागो भाग। 80 लेवल के ये भी है, आई थिंक मर जाने चाहिए जल्दी। भाई 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 निकलो निकलो, इनसे बचना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर चलते हैं एंड फिर इनको मारने का ट्राई करेंगे। ओके एक गया, नहीं यार ये 35 लेवल की जो ना उसको बजाओ। ओके सो मैंने यहाँ पे दोनों को तो मार दिया यार, कॉम्पीज क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं अपना। चलो गाइस अपन लोग देखते हैं अपना डिलोफोसॉरस कब तक टेम होता है। ओके लगभग 27% टेम हो चुका है, बस हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा एंड फाइनली यार ये टेम हो जाएगा। आई थिंक हमारा जो है ना लेवल भी लगभग 16 तो बन ही जाएगा इसके बाद, मुझे लगता है। तो थोड़ा सा वेट करते एंड ओके सो फाइनली यार यहाँ पे जो अपना डिलोफोसॉरस है वो टेम हो चुका है।
एंड मुझे जो है ना इसका फटाफट से नेम रखना है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे अपना पहला डाइनो टेम हो चुका है एंड आई होप अपने पास 16 लेवल भी हो गया है। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे अपना 16 लेवल हो चुका है। अब फटाफट से चलते हैं सीधा अपने बेस में, राफ्ट बनाएंगे एंड फटाफट से हम लोग जो है ना यहाँ पे से निकलने का ट्राई करेंगे सीधा कार्नो आइसलैंड के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता आज हम लोग निकलेंगे, पहले सबसे पहले तो ये देखो मैं बोला था ना रैप्टर ट्रायसरॉप से पंगा ले रहा है, डेफिनेटली मरेगा और मर गया, पर इसके जो एरोज है ना वो ले लेता हूँ। ओके गाइज मेरे को फ्री में यार 6 एरोज मिल चुके हैं जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अबे ये अपना डिलोफोसोरस नहीं है, अबे लगता ही ओ, 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 ओ अपना डिलोफोसोरस की फाइट करने लगे आपस में, करो 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 हम भी देखते हैं। अबे मेर में क्यों मार रहा है यार, उसको मारना। ओके गाइज आपस में भिड़ रहे हैं पर इनसे गाइज में काफी ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है, तलवार नहीं है, अगर तलवार रहता ना इनको मैं काट देता। ओके एक गया, ये तो ये भी गया। रैप्टर डिलोफोसोरस के क्या हाल है, आपस में भिड़ रहे हैं अभी तक। चलो भिड़ो भाई, मारो फटाफट से एक दूसरे को। ए यार ये काफी ज्यादा दिमाग खराब। अबे यार तुम मेरे को मारा यार वो, वैसे अपना 28 लेवल वाले ने मार ही दिया था उसको, या मार ही दिया था। ओके सो गाइज यहाँ पे जो है ना अपने डिलोफोसोरस ने ये एरिया क्लियर कर दिया, यहाँ पे मेरे को रैप्टर का एग मिला। तो चलो गाइज ऐसे करते ना यहाँ पे हम लोग फटाफट से निकलते हैं, वैसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, ऑलरेडी अपना 16 लेवल हो गया है। तो अभी जो है ना मेरे को फटाफट से बेस निकलना है एंड वहां से हम लोग बनाएंगे अपने राफ्ट। एंड जैसे कि मैं यहाँ पे से बेस निकल रहा था ना, सो मुझे यहाँ पे दिखा सार्को, तो मैंने डिसाइड करा यार सार्को को मजा तो ले ही लेते हैं एंड मेरे को क्या पता कुछ एक्सपी और मिल जाए। तो फाइनली गाइज मैंने डिसाइड करा यहाँ पे जो है ना अपन लोग सार्को को किल करते हैं। आ जाओ, एक दो एरोज लगेंगे, आई थिंक जल्दी मर जाएगा। ये पैटर्नाडोन में अटैक कर रहा था पर पीछे से मैं गया एंड मैंने जो है ना इसको इजीली बचा दिया। देखते हैं इसकी इन्वेंटरी में क्या पता एरोज वगैरह मिल जाए, पर इसकी इन्वेंटरी में कुछ नहीं है और अभी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे करते ना इसको फटाफट से हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं एंड मे बी अपने को मीट एंड हाइड वगैरह मिल जाएगा। ओके गाइस यहाँ पे जो है ना अपन लोगों ने सार्को को हार्वेस्ट कर लिया, अभी यार फटाफट से अपन लोग बेस चलते हैं एंड राफ्ट बनाने का ट्राई करेंगे एंड उसके बाद जो है ना गाइस हम लोग मे बी आज की वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है ना सीधा कार्नो आइसलैंड निकलेंगे। ओके फाइनली हम लोग अपने बेस में आ चुके हैं, यार काफी ज्यादा दूर गए थे, हिडन लेक जो है ना यहाँ पे से काफी ज्यादा दूर है, फूड भी ऑलरेडी यार काफी ज्यादा कुक हो चुका है, तो ऐसे करते थोड़ा सा फूड वगैरह खा लेते हैं। तो ओके सो फाइनली गाइस यहां पे हम लोगों ने फूड वगैरह कुक कर लिया, अभी मेरे को राफ्ट बनाने के लिए ना लगभग 250 के करीब वुड चाहिए, तो मैं फटाफट से अपने के लिए वुड वगैरह फार्म करता हूँ। ओके यार अभी जो है ना अपना बैग टकाटक भर चुका है सारा का सारा वुड से, आई थिंक इतना वुड तो हमारे पास हो ही गया होगा कि हम लोग अपने के लिए राफ्ट बना ले। ओके यार फाइनली यहाँ पे अपन लोगों ने राफ्ट क्राफ्टिंग में लगा ली है, फटाफट से यार समुद्र की तरफ चलते हैं क्योंकि हमें जो है ना राफ्ट को समुद्र में प्लेस करना है एंड राफ्ट जो है वो काफी ज्यादा हैवी है, सो क्राफ्ट हो जाएगी ना उस टाइम भी अपनी बैग की जो लिमिट है वो लगभग फुल हो जाएगा। ओके यहाँ पे अपन लोग ना इस राफ्ट को प्लेस करते हैं, देखते हैं प्लेस यहाँ पे हो पाता है या नहीं हो पाता। ओके सो लेट्स गो गाइस हम लोग यहाँ पे राफ्ट को प्लेस करने का ट्राई करते हैं। ओके यहाँ पे प्लेस नहीं हो पाएगा लगता है, मेरे को थोड़ा सा गहरे पानी में और जाना है, तो अपनी राफ्ट जो है ना वहीं पे प्लेस होगा, पर अपना बैकपैक का जो लिमिट है यार वो लगभग पूरा का पूरा फुल है, तो थोड़ा सा मेरे को वेट खाली करना होगा।
यहाँ पे एग है, ये भी खा लेता हूँ मैं, क्योंकि एग का भी लगभग 7 किलो वजन है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे अपन लोगों ने अपनी राफ्ट वगैरह प्लेस कर लिया है, एंड लगभग 15 से 20 मिनट तो हो ही गया होगा वीडियो को। सो अपन लोग यार आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, एंड मे बी गाइज हम लोग जो है ना कार्नो आइसलैंड नेक्स्ट वीडियो में निकलेंगे। एंड आज जो है ना गाइज हम लोगों ने काफी ज्यादा काम किया, एंड फाइनली गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड मन करे तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं गाइस हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वैसे यहाँ पे यार ट्राइसोटॉप्स काफी ज्यादा है, मेरा तो मन कर रहा है 2 ट्राइसोटॉप्स यहाँ पे से हम लोग कार्नो आइसलैंड लेके निकले, पर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मेन आइलैंड में करके लेके चले जाएंगे। तो चलिए गाइस बाय बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट।